यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इस बीच बड़ी खबर यमुनानगर से, जहां पर रेलवे कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की है और साथ ही जगाधरी वर्कशॉप के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं रेलकर्मी। ये बड़ी खबर यमुनानगर से, जहां पर रेलवे कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की है और इसके साथ ही जगाधरी वर्कशॉप के बाहर भूख हड़ताल पर रेलकर्मी बैठे हुए हैं। एनपीएस पेंशन और सातवें पे कमीशन की कमियां दूर करने की मांग को लेकर ये भूख हड़ताल थी और साथ ही मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी यहाँ पर दी गई है रेलवे कर्मियों की ओर से। तो ये बड़ी खबर यमुना नगर से, जहां पर आपको बता दें कि एनपीएस पेंशन और सातवें पे कमीशन की कमियां दूर करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल रेलवे कर्मचारियों की ओर से की जा रही है और साथ ही जगाधरी वर्कशॉप के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं रेलवे कर्मचारी। और ज्यादा जानकारी लेंगे प्रवीण मोदगिल, हमारे संवाददाता यमुनानगर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, रेलवे कर्मचारियों की ओर से भूख हड़ताल की जा रही है, क्या कुछ मांगे हैं एनपीएस पेंशन और सातवें पे कमीशन के अलावा? जी, ऐसे सातवें पे कमीशन को लेकर जो है कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठते हैं। वो कह रहे कि जब तक हमारी जो डिमांड है उनको पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसा की प्रदर्शन और जो है चलता रहेगा भूख हड़ताल। जी जी प्रवीण, इसके साथ ही क्या यहाँ पर जो रेलवे कर्मी भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनकी भूख हड़ताल खत्म कराने के लिए अभी तक कोई आगे आया? नहीं, अभी तक जो है कोई सामने नहीं आया, लेकिन ऐसा की कर्मचारी जो है अभी तक उन्होंने अपनी जो हड़ताल है उसको जारी रखा हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। तो रेलवे कर्मचारियों की ओर से भूख हड़ताल की जा रही है, इस दौरान उनकी ओर से मांग उठाई जा रही है एनपीएस पेंशन और सातवें पे कमीशन की कमियां दूर हो, इसी को लेकर अब भूख हड़ताल उन्होंने शुरू की है जगाधरी वर्कशॉप के बाहर।